A magician or somebody send this gin to block you to speak or to go to court. Yes, <laughs> we <laughs> जिन्हात एक ऐसी मखलूक है जो हमारे साथ इसी दुनिया के अंदर किसी और डायमेंशन में रहती है लफ्ज जिनका ही मतलब है छुपी हुई मखलूक जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती लेकिन इसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती हैं जन््त एक अनर्जी की तरह हैं जिनका कोई फिजिकल वजूद नहीं इन्हें देखा नहीं जा सकता लेकिन एक काले धुएं की सूरत इन्हें कहीं पर उड़ता हुआ इंसानी आंखें देख सकती हैं या किसी इंसानी जिसम के अंदर घुस कर ये इंसानों से कलाम कर सकते हैं या फिर ये किसी जानवर की सूरत इंसानों के सामने आ सकते हैं जन्नात आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहते हैं ये वहरानों के अंदर रहना पसंद करते हैं जब तक इनको परेशान ना किया जाए या इंसान इनको कोई नुकसान ना पहुँचा दें जबकि शरीर और शैतानी जिन्ात बिला वजह भी इंसानों को डरा और इन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं या फिर इनके जिसम पर काबिज होकर इन्हें परेशान करना पसंद करते हैं ऐसे इंसान जिनके जिसम पर यह शैतानी जिन्नात कब्जा कर लेते हैं इनको पोजेस्ट कहा जाता है हज़रत से रिवायत है कि रसूल पाक सली वसम ने फ़रमाया कि यकीन शैतान इंसान के अंदर इस तरह से गर्दश करता है जिस तरह से खून गर्दिश करता है ये जिनात क्योंकि एक अनर्जी की सूरत में मौजूद होते हैं लिहाजा इंसानी जिसम के अंदर जहां जहाँ पर खून जाता है ये वहां वहां पर पहुंच कर इंसानी जिसम को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यही वजह है कि ये लम्हों के अंदर इंसानी ऑर्गन को फेल करके जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकते हैं दिमाग को मफलूज कर देते हैं यहां तक कि अल्लाह के कलाम के अंदर इतनी ताकत है कि यह शैतान इसे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते अल्लाह का कलाम इन पर ऐसे असर करता है जैसे पानी आग पर इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि एक शख्स अल्लाह के कलाम से एक पोजेस्ट लड़की पर दम कर रहा है और ये जिन इसके दिमाग पर काबिज है और ये जिन इस दम करने वाले शख्स को अजीबो गरीब हरकतों से ड्रा कर और इसे मार कर खुद से दूर करना चाहता है और ये किसी भी सूरत इस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं आखिरकार काफी बातचीत के बाद ये शख्स इसको आग से डराने की कोशिश करता है जिन्नात को अल्लाह ने आग के ऊपर मौजूद काले शोले से तख्लीक़ किया है लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आग आखिर जिन्नात को कैसे नुकसान बचा सकती है या इनको जहनुम की आग के अंदर जला सकती है जिससे वो खुद बने हैं ये बहुत बड़ी गलत फहमी है पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने कुरानी करीम के अंदर जिन्नात को आग के धुएं से पैदा करने का जिक्र किया है ना कि आग से दूसरी बात कि अगर जिन्नात आग से भी बने हों तब भी वो आग इनको जला सकती है मिसाल के तौर पर इंसान को मट्टी से तख्लीक़ किया गया तो अगर एक इंसान को एक मट्टी से बनी हुई बॉल उठाकर इसके सर पर मारी जाए तो क्या वो इसको असर नहीं करेगी बिल्कुल करेगी अब क्योंकि जहनुम की आग इस दुनिया की आग से सत्तर गुना ज्यादा खतरनाक है तो इसकी तपिश की वजह से वो जिन्नात को जला सकती है और बिल्कुल इसी वजह से जहनुम की ये आग दरअसल रंग के अंदर काली है ना के सुर्ख ये जिन इस लड़की के जरिए सामने मौजूद शख्स से कलाम करता है ये आमिल इसे दम की अववा पानी पिलाता है जिसके बाद यह लड़की एक चीख मारकर बेहोश हो जाती है और आखिरकार ये जिन इसका पीछा छोड़ देता है बरतानिया के एक टीवी चैनल पर अबू मोहम्मद नाम के अली दीन लाइव लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे कि अचानक किसी लाइव टीवी शो पर एक अजीबो गरीब किस्म की कॉल आती है फोन पर एक लड़की बात कर रही थी जिसके जिस्म पर एक शैतानी जिन का कब्जा था यह जिन बार बार इस लड़की को बात करने से रोक रहा था इस लड़की ने बताया कि किसी शख्स ने काले जादू के जरिए मेरे जिसम पर एक जिन को काबिज कर रखा है और ये बार बार मुझे बात करने से रोकता है अबू मोहम्मद ने मुखातिब करके कहा कि क्या तुम वाकई इस लड़की को बात करने से रोक रहे हो इसके जवाब में यह जिन कहका लगाकर कहता है कि हाँ हमने इसकी आवाज़ को बात करने से रोक रखा है uh अबू मोहम्मद इससे कहते हैं कि तुम अल्लाह को क्यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे इस लड़की को परेशान करना बंद कर दो ये सुनकर ये जिन अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकालना शुरू कर देता है आ? बहुत से लोगों को शक है कि यह वीडियो चैनल की रेटिंग या व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है लेकिन इसकी हकीकत चाहे जो भी हो यह बात सच है कि जिनात इंसानी जिस्म पर ख़ास तौर पर इसके दिमाग पर और सोचों पर कब्जा कर सकते हैं लेकिन यह कंट्रोल मुकम्मल नहीं होता बल्कि ये सिर्फ आपको वसवसों के अंदर डाल सकते हैं बुरी सोचें और नाउमीदी पैदा करके आपसे वो काम करवा सकते हैं जो कि शायद आप गुनाह या खौफ खुदा की वजह से कभी ना करना चाहें यह वीडियो इंडोनेशिया की है एक आलिमदीन सफेद कपड़ों के अंदर मौजूद इस औरत के जिसम से जिनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो इससे पूछते हैं कि तुमने इस लड़की की बॉडी पर क्यों कब्जा कर रखा है ये जिन जवाब देता है कि मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ अलिमद्दीन कहते हैं कि हमें तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे लिए अल्लाह ही काफी है वही हमारी हिफाजत करता है जिन कहता है कि मैं इसका दोस्त रहना चाहता हूँ ये मुझे काफी पसंद है काफी बहस के बाद जब यह जिन इस लड़की को नहीं छोड़ता तो दिन कहते हैं कि मैं कुरान पाक पढ़ना शुरू कर रहा हूँ जो कि तुम्हें हर लम्हा तकलीफ देगा और कुरान पाक पढ़ते ही यह बिना पानी के मछली की तरह तड़पने लगता है हैरत की बात यह थी कि यह जिन खुद को मुसलमान कहता था लेकिन फिर भी इंसानों को परेशान किया करता अलिम दीन के समझाने पर यह आखिरकार बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है अब मैं घर वापस जाने के लिए तैयार हूं अलिम दीन इससे वादा लेते हैं कि आइंदा वो किसी इंसान के जिसम पर कब्जा नहीं करेगा और इस वादे के साथ वो इस लड़की का पीछा आखिरकार छोड़ देता है हमारी यह अगली वीडियो है यूके की जिसके अंदर एक इमाम मस्जिद अबू तैयब बुरका के अंदर मौजूद एक औरत से जिनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसे काले जादू के जरिए किसी शख्स ने इस पर मुसलत किया है कि इसे मुसलसल बीमार और परेशान रखे इस औरत का कहना था कि डॉक्टर कई सालों से इसकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे कि आखिरकार इसको मसला क्या है इसे मुसलसल उल्टियां जिसम दर्द नींद की कमी सर दर्द कमर दर्द और याददाश्त की कमी की अमत थी अबू तैयब जब अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं तो ये जिन तड़पने लगता है और आखिरकार तड़प तड़प कर इस लड़की का पीछा छोड़ देता है वैसे ये सीन देखा देखा नहीं लग रहा आए मैं आपको इन असल वीडियो जैसी नकली ओवर एक्टिंग दिखाता हूं दो सौ रुपए दे और पचास एक्टिंग के इन लोगों को ऑस्कर नहीं बल्कि ऑस्कर के साइज का चित्र पढ़ना चाहिए बताए ना क्या लोग चूनकिया हैं खैर आपका इन प्रोजेस्ट वीडियोस के बारे में क्या ख्याल है अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हाफिज